अंतिम दिनों के संकेत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है आप अलग तरीके से बाइबल पढ़ते होंगे बाइबल को बहुत से एंगल से हम देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि बाइबल एक बड़ा ट्रेशर है कुछ लोग कहते हैं कि इट्स इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ होता है दूसरी बार पढ़ते हैं तो कुछ अलग महसूस होता है थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो कुछ रिविलेशन होता है और कहा जाए तो कुछ लोगों को ऐसे भी कहते सुना है कि बाइबल में बहुत से हिडन ट्विस्ट भी है एक एंगल इधर होता है दूसरा एंगल होता है कौन क्या कहता है यह मुख्य नहीं है आप कैसे पढ़ते हैं ये मुख्य है और मैं इसे कैसे पढ़ता है आज पढ़ने में फर्क है आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसलिए शीर्षक का नाम ही अंतिम दिनों के संकेत रखा है इसके लिए आज ब्रदर जगन है। आए हैं आइए एक और कॉन्टेक्स्ट में हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा बाइबल को बहुत तरीके से पढ़ रहे हैं आप भी कुछ अलग एंगल में कुछ अलग डायमेंशन से बाइबल को बताते हैं कि इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट डायमेंशन लेकिन जब मैंने आज ओपन किया तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के अंदर हम जाने वाले हैं मथी ने जो लिखा उसका टेंथ चैप्टर में जाने वाले लेकिन उससे पहले फंडामेंटली बेसिकली कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबके लिए एक बुलावा होता है ये तो आप मानते हैं ना बुलाहट के बिना कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो ये ये जो है है मेरे लिए है, इस सर, who determines that? प्रभु ने एक संदेश भेजा है आपका अपना ही लाइफ ले लीजिए ना आप कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेज से आए हैं मुझे ज्यादा डिटेल्स पता नहीं बट यही मेरा कॉलिंग है ऐसा आप प्रभु का कार्य कर रहे हैं उसे कैसे डिटरमिन कर रहे हैं यानी जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर तो कॉमन होता है जनरल सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट ईयर हाँ। में बदलता है

ये बुलाहट तो होती ही है देखिए वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में उसने हमें राजा और याजक बनाया है हमारे जीवन में याजक पद है और राजा का पद है लोगों को याजक होना पसंद नहीं है राजा बनना है ज्यादातर लोग इसे क्यों नहीं चाहते हैं? ये इसीलिए क्योंकि राजा हो तो आसान है याजक होना मुश्किल है पर अभी वर्तमान में याजक होना आसान है। <laughs> क्योंकि <laughs> हमें याजक पद दिया गया है और इसीलिए पॉलुस ये कहता है कि सुसमाचार प्रचार करना मेरा कर्तव्य है इट्स ड्यूटी 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 उसके लिए मुझे ना सेवकाई में आना है या परमेश्वर का दास होना ऐसी कोई बात नहीं है पर सुसमाचार का प्रचार करना कहता है मेरी ड्यूटी है ये सब लोगों के लिए सामान्य hmm. है यानी ये जो कर्तव्य मुझे दिया गया है ये जो सेवकाई मुझे दी गई है ये जो परिवार मुझे दिया गया है

आपके लिए एक बुलाहट है और आपकी बुलाहट के लिए आप हैं ओके कॉलिंग के लिए ही बुलाहट के लिए आप इस पृथ्वी पर हैं ओके कॉलिंग के लिए ही कॉल्ड जी दाऊद का जन्म तो सौ प्रतिशत पहले से ही ठहराया गया था इसी तरह से शिमशोन उसके जन्म के पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि वो कैसा होगा क्या करेगा उसका जीवन कैसे होगा इस तरह बताया है इस तरह भविष्यवाणी की गई है उनकी जीवन शैली क्या है उनकी परिस्थिति क्या है

उसके बाद वो आ, सब कुछ करने के बाद पुरानी कहानी बताते रहते हैं दे नॉट टॉक अबाउट द फ्यूचर ये तो ये सैचुरेशन पॉइंट जब आता है तो ये कॉलिंग में मिस्टेक है कि या उनके सिंकिंग uh, के हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि इस समय के लिए ये कॉलिंग हाउ डू आई बी इन सिंक इन विद कॉलिंग उसे कैसे आइडेंटिफाई करें देखिए ऐसा है अब आपके लाइफ का ही ले लीजिए हाउ डू आइडेंटिफाई कि प्रभु ने मुझे यही दिया है ऐसा आप कह रहे हैं ना जी हाँ। इसे आप कैसे श्योरली कह सकते हैं जी देखिए आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ सवाल का जवाब दूंगा मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट अलग है यानी मैंने यीशु को स्वीकार करने के दो साल बाद ही मुझे अचानक ही एस्केटोलॉजी सब्जेक्ट में बड़ी दिलचस्पी आने लगी मैं नहीं जानता की क्यों बट यू बुलाहट मेरे जीवन में रही लेकिन मुझे पता नहीं था परमेश्वर ने वैसे ही डिजाइन किया था और फिर इस तरह से मुझे उस विषय में बहुत दिलचस्पी आने लगी अंतिम समय के बारे में जो भी बताता मैं उनको सुनता और किताबें पढ़ता बाकी सभी संदेशों से बढ़कर इसके लिए महत्व देता था अच्छा यानी प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बस दो साल के बाद ये हुआ इसके दस साल के बाद मैंने सेवा शुरू की यानी दस साल तक इसके बारे में सोचता रहा और जब मैं सेवकाई में आया तो मैंने इस बात को चुन लिया कि देखिए सच में कि दस साल पहले ही परमेश्वर ने मुझे इसके लिए बुलाया है ऑलरेडी प्री मुझे पहले से तैयार किया था मुझे इसका पता नहीं था सबके साथ ऐसे ही होता है यानी भाई अश्विन है तो भाई अश्विन के जीवन में बुलाहट है देखिए कुछ लोग ये कहते हैं देखिए मैंने जिंदगी में ये नहीं करना चाहा इसमें मेरी इच्छा भी नहीं है मैं इससे अलग करना चाहता हूँ लेकिन जब उसमें काम करते हैं तो बहुत सफल हो जाते हैं चाहे तो भी सेवा का, का काम छोड़कर नहीं जा सकते हैं वही तो बुलाहट होती है ये बात है देखिए आपने जैसे पूछा कुछ समय के बाद लोग सुस्त होते हैं एक जगह पर होते हैं देखिए इस तरह से बुलाहट वाले लोगों के साथ नहीं होता जिनके जीवन पर बुलाहट है तो वो अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं अब देखिए पर मैं सांसारिक रूप में उदाहरण देना चाहता हूँ नहीं, नहीं यदि कोई अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है तो वो बूढ़ी भी हो जाए तो देखिए उसका प्रेम और भी बढ़ेगा उसका प्रेम और बढ़ेगा है ना इसी तरह से जब सेवकाई बढ़ती चली जाती है तो फिर हमारी रुचि उसमें और बढ़ती है लेकिन देखे किसी का सेवकाई करते समय उसका नजरिया बढ़ जाए और वो पैसों की ओर देखें और सेवकाई से मुझे क्या मिल सकता है इस तरह से सोचने लगे तो इंटरेस्ट चला जाएगा फर्स्ट लॉ कहते हैं ना जी हाँ हाँ यानी सेवकाई में बहुत सी बातें जुड़ती है पैसा है शोहरत है इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आप उससे डेवलप करते हैं उससे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर चूक जाते हैं मेंटेनेंस मोड में यानी कमर्शियल बन जाते हैं इसलिए हमारी आंखें ऐसी सेवा पर बनी रहनी चाहिए इसलिए पॉलूस कहता है मैंने सब त्याग दिया है मैं जिसके लिए बुलाया गया हूं उसी पर नजर है पॉलुस की सेवकाई इतनी बड़ी थी कि सोचिए वो कुछ भी कर सकता हाँ. था वो बड़े जोश के साथ में परमेश्वर की सेवा करता रहा यानी उसकी सेवकाई तो बहुत ही प्रभावी थी लोग क्यों सेवा में सुस्त होते हैं मैं कहता हूं कि एक समय रहता है जब विश्वासी दूसरे लोगों को प्रचार करने के लिए लोग ढूंढते रहते हैं लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा समय आता है कि बोर्ड लगा देते हैं करेक्ट है ना हाँ। यानी मुझसे मिलने का समय केवल यहां से इस समय तक ही है करेक्ट कि लोग आकर हमें खोजे मैं यही कहता हूं परमेश्वर के दास बैठने के लिए आराम करने के लिए सेटल होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं बैठना है विश्राम करना है केवल स्वर्ग में जाने पर सो वही पॉइंट यही बात है। तो आपको उस कॉलिंग में सैचुरेशन बिल्कुल नहीं होगा आपने एथलीट को देखा होगा मैराथन हो या सौ मीटर हो दौड़ने वाला बस दौड़ते रहता है करेक्ट रुकना नहीं है लक्ष्य तक पहुंचने तक रुकना नहीं है यही तो पॉलूस कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की और अपनी दौड़ पूरी की हम दौड़ में हैं रेस में बने तो दौड़ में हैं ये दिलचस्प बात है प्रभु को स्वीकार करने के बाद मैं पिछले 16 साल से सेवकाई में हूं और ये सत्रहवा साल है इतने वर्षों में मैं सोचता हूं

जी हाँ आज के जो कार्यक्रम में मैं इसे क्यों पूछ रहा हूं कि प्रभु ने इस दुनिया को रचाया है आई मीन ही इज एन गॉड सही तरीके से बारह लोग काफी है ऐसा थिंक कर रहे हैं बस वो वो थिंकिंग वो, वो सोच ही मुझे भ्रम में डाल दे रहा है मतलब वो उस जमाने के कॉन्टेक्स में थिंक नहीं किया आज के कॉन्टेक्स में उस दिन थिंक किए कहा जाए तो फ्यूचर के लिए भी सोचे इतना बड़ा असाइनमेंट के लिए सिर्फ बारह लोगों को बुलाना काफी है ऐसा सोच रहे हैं बस मैं उसी सोच के बारे में पूछ रहा हूँ उस बुलावा को हम कैसे समझेंगे बने रहिएगा ब्रेक देंगे उसके बाद हम दिस ट्वेल्व पीपल कॉन्टेक्स्ट हाउ डिड गॉड चूज ट्वेल्व पीपल मैथ्यू टेन के कॉन्टेक्स में जाएंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रोग्राम ब्रदर जगन हम ब्रेक से पहले एक बड़ा असाइनमेंट एक ग्लोबल असाइनमेंट लेकिन उस ग्लोबल असाइनमेंट के लिए एक बारह लोग ग्लोबल असाइनमेंट के लिए सिर्फ बारह लोग ऐसा पूछने लायक सोचने लायक इस हद तक एक कॉन्टेक्ट समझ लीजिए जरा सोचिए ना आज एक आईटी कंपनी के लिए या एक बड़ी कंपनी के लिए एक ग्लोबल असाइनमेंट मिला है किस तरह का प्लानिंग कितना स्ट्रेटजी लेकिन क्राइस्ट की जिंदगी में उनका जो स्टाइल है तो समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी इट वाज वेरी वेरी फिक्स्ड एंड अकॉर्डिंग टू द कॉलिंग ऑफ व्हाट गॉड कॉल्ड हिम इन बारह लोगों का बुलावा मैथ्यू चैप्टर टेन। क्योंकि मैथ्यू ब्यूरोक्रेट है वो लिख रहे हैं, उनका कॉन्टेक्चुअल राइटिंग कुछ अलग होता है डिसिपल बिहेव वो क्राइस्ट को क्लोजली देखते हैं अब वो जो है मती टेन में मैंने बहुत बार पढ़ी है इसमें बहुत ट्रेजर्स है ये मेरा मानना है आप मैथ्यू टेन को कैसे देखते हैं मत्ती में यहाँ पर पहले वचन में यानी दस एक में अंतिम वचन तक हम एक पैकेज के रूप में से देखते हैं यानी जब आप काम ज्वाइन करते हैं तो आपका काम क्या है यानी आपकी तनख्वाह कितनी होगी कितना पीएफ है ये सब, सब है। मेडिकल अलाउंस और ये सब यानी जिस दफ्तर में आप काम करते हैं उसमें आपकी कितनी सुरक्षा है इसमें कितना जोखिम है कोई रेलवे ज्वाइन करता है तो उनके बाद उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी स्तर बताते तो यही लिखा है यानी अगली पीढ़ी को क्या आशीष मिलेगी ये लिखा है यानी अगली पीढ़ी को भी इससे आशीष मिल सकती है यानी मत्ती अध्याय दस ये तो प्रभु की सेवा के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन है दौकुमेंट। दौकुमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हमें भागों में पढ़ना चाहिए इसे एक साथ न पढ़े लेकिन अलग अलग भागों में इसे पढ़ते जाए सबसे पहले देखिए उसने उन लोगों को बुलाया फिर वो उन्हें बताते हैं कि कहा पर जाना है कहाँ पर नहीं जाना है इस काम को करने से क्या लाभ होगा दूसरे इसे स्वीकार करेंगे तो क्या लाभ होगा करेक्ट यानी दूसरे मानेंगे तो उन्हें क्या लाभ होगा करेक्ट यही है यानी बारह लोगों को बुलाने का बुनियादी नियम दिया गया है रूल बाकी सब इस पर आधारित है चार पॉइंट्स हैं बस चार बातें बताई गई हैं मत्ती में यहाँ जो लिखा है वो मरकु तीन में भी है मरकु तीन में पढ़े तो चार बातें लिखी हैं पहली बात वो मेरे साथ रहेंगे देखिए यहाँ पर इस विषय में वो कहता है मैं इसी तरह से कहूंगा कि जो लोग सेवकाई में आना चाहते हैं उनको यही सलाह दूंगा

सारी रात प्रार्थना की मरकुस दस में हम पढ़ते हैं देखिए यहाँ ये कहता है फिर उसने अपने बारह चेलों को अपने पास बुलाया इस तरह कहता है अगर हम इसे ध्यान से देखें तो बहुत से लोग उसके पास आए करेक्ट बहुत से लोग आए उसमें से बारह लोग चुन लिए यीशु के पास तीन किस्म के चेले थे यानी सत्तर फिर बारह बारह को दो भागों में बांटा नौ और तीन यानी तीन अलग नौ अलग थे और ऐसे सत्तर थे इसके अलावा बारह में एक इनर सर्कल आउटर सर्कल ऐसे बांटे गए थे यानी उसने बारह चेलों को चुन लिया उन्हें चार तरह के काम करने के लिए कहा सबसे पहले बारह लोगों को उसने सेवकाई के लिए बुलाया और सबसे पहली बात यही थी कि परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है केवल परमेश्वर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ चलना है यानी प्रभु के साथ चलना है बहुत से लोग परमेश्वर के बिना सेवकाई करना चाहते हैं यही मुश्किल है बिलाम को ही देखिए बिलाम की सेवकाई में परमेश्वर नहीं थे परमेश्वर का आ कहना या जा कहने में फर्क होता है सही है ना परमेश्वर आ कहे मतलब बुला रहे हैं और जाओ कहे तो अकेले जाने के लिए कहा है इसराइली लोगों को परमेश्वर ने पहले आओ कहा और फिर क्रोध में आकर कहा ठीक है तुम जाओ यानी परमेश्वर ने उन्हें जाने के लिए कहा देखिए सेवकाई में परमेश्वर के साथ जुड़कर या उसके बिना सेवकाई कर सकते हैं गॉड के बिना करना यानी परमेश्वर ही नहीं है और फिर आकर परमेश्वर से कहते हैं हमने भविष्यवाणी की थी दुष्ट आत्माओं को निकाला सब कुछ सब किया फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नहीं नहीं जानता तुम तो मेरे बिना काम काम करते करते हो हमारा संबंध है नहीं है लेकिन वहां भी काम होता बहुत है। कुछ करते हैं उनके द्वारा बड़े काम होते हैं यानी देखिए एक बार पत्र यीशु के पास आकर कहता है एक व्यक्ति जो हमारे साथ नहीं वो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है यीशु ने कहा जाने दो यानी सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए दूसरी बात कि हमें प्रचार करना चाहिए सो असाइनमेंट दोनों बात वचन में खड़े होना चाहिए व करेक्ट सबसे पहले परमेश्वर के साथ में रहना है दूसरी बात वचन पर बने रहना है यानी परमेश्वर का वचन सब में है जो सेवकाई वचन पर आधारित है वो आखिर तक स्थिर रहेगी फाउंडेशन शुड बी फाउंडेशन वचन होना चाहिए अद्भुत काम जो है वो वचन के लिए सहायक है यानी देखिए वचन कहता है उन्होंने वचन प्रचार किया और परमेश्वर ने उस वचन को साबित किया तो फाउंडेशन वर्ड ही आ रहा है वचन पर आधारित हो तभी महान काम होंगे महान अद्भुत काम अगर परमेश्वर का वचन ही नहीं है देखिए बहुत से लोग हैं मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा जिस सेवकाई में वचन होता है वो अंत तक बनी रहती है कुछ खुद के बल से काम करते कुछ दिनों तक ठीक है टैलेंट है तो कुछ समय तक रहेगा कुछ समय बाद टैलेंट तो चला जाएगा टायर्ड हो जाए थक जाएंगे यानी कितने समय तक एक ही ट्रेंड में रहेंगे है ना यानी एक ही ट्रेंड का शर्ट पहनते जाए है ना या संगीत का एक ही ट्रेंड सुनते जाए एक ही ट्रेंड का खाना खाते जाए यही स्वभाव है सेवका भी ट्रेंड जैसे बना ली है यह वचन पर निर्भर हो जब ये वचन पर निर्भर होगी तो यही कहूंगा कि समस्या नहीं होगी तीसरी बात यहाँ पर क्या कहता है देखिए यहाँ पर इन बारह लोगों के लिए कहता है यानी उन्हें चंगा करने और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दिया बस यही है हीलिंग और फिर डिलीवरेंस वो भी कहते यीशु ने कहा चंगाई छुटकारा तीसरा चौथा है लेकिन ज्यादा महत्व किसे देते हैं किस पर गौर करते हैं चंगाई छुटकारे पर ही गौर करते हैं वर्ड के लिए ज्यादा नहीं नहीं है। है। यीशु पर भी नजर नहीं है स्ट्रेट वहां जा रहे अगर ऐसा है तो वो नीचे ही गिरेंगे ना आत्मा के नौ वरदान है पवित्र आत्मा के वरदान इन वरदानों में से ज्यादा किस वरदान के बारे में सुना बताइए साधारण रूप में पूछ रहा हूँ किस वरदान के बारे में ज्यादा सुना है आपने पढ़ा है आपको ये पता है परमेश्वर के दास इन नौ वरदानों में से किस पर ज्यादा गौर करते हैं बताइए कॉमन जो है ये सामान्य रूप में, में, में चंगाई पर जोर देते हैं हाँ, हीलिंग तो कॉमन है, है, है ना यानी चमत्कारों पर हाँ, कार्य पर सुना सुना गौर करते हैं ज्ञान के वरदान के बारे में आपने सुना है बुद्धि बढ़ाने का वचन जो है मैंने नहीं सुना ज्ञान के वरदान के बारे में आपने सुना है नहीं वो सब तो विजडम है मतलब दे आर कॉल्ड टू गिव एडवाइस करें देखिए देखिए ज्ञान की बातें बुद्धि की बातें हमें इनका उपयोग करते जाना है कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि आ, कि उस नाइन गिफ्ट्स में के अंदर ही स्पेशलाइजेशन है बट वो नौ, नौ, नौ वरदान उपयोग करने हैं वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि पवित्र आत्मा आकर तुरंत वहां पर सीधा काम करने लग जाए स्ट्रेट अवे स्ट्रेट अवे, अवे। देखिये इस तरह से कोई सेवकाई नहीं होती जैसे टॉप अप करते हैं जी फास्ट फूड बस जाइए दो मिनट में नूडल्स तैयार बस रातों रात उन्हें लाइमलाइट में आना है ऐसे सेवकाई में वचन नहीं होता है है ना Correct. अगर वचन प्रचार करना है तो आपको अध्ययन करना होगा यानी कुछ ना कुछ प्रचार तो करना होगा करेक्ट एकदम करेक्ट है ना जी लेकिन चमत्कार ऐसे नहीं लोग सोचते हैं चमत्कार जल्दी हो जाए पर ऐसी बात नहीं है यहां प्रभु ने बारह लोगों को बुनियाद के रूप में चुना ये बुनियाद हर एक सेवकाई में है मैं जवानों से हमेशा ये कहता हूँ जो सेवा करना चाहते हैं जो अगली पीढ़ी के लोग हैं उनसे कहता हूँ इसे बुनियाद बनाइए इस बुनियाद पर सेवकाई कीजिए यानी जो भी सेवकाई करता है, इसी के आधार पर करें आप प्रेतों के काम में सब ने बिल्कुल इसी आधार पर किया ये नहीं है तो फिर सेवकाई नहीं है यही फाउंडेशन है बस यही कहूंगा कि यही शुरुआत है मत्ती दस में यही तो बात मुख्य थी तो कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका कॉलिंग चाहे जो कुछ भी हो लेकिन उस कॉलिंग हाँ, है। है। तो का ले लोन ले, तो चाहिए ना बस यही है ये बुनियाद है यानी ये बहुत जरूरी है चाहे भविष्यवक्ता हो या फिर छुटकारे की सेवकाई हो पास्टर हो इवेंजलिस्ट हो वॉट इट इज पर ये बेस है लेकिन जब वो फोन काम कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग में होना चाहिए ट्यूनिंग तभी तो प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है वही तो प्रेजेंस आप कह रहे हैं कई बार हम लोग परमेश्वर के बिना सेवकाई करने लगते हैं इसलिए सुस्त पड़ जाते हैं एक सवाल पूछता हूँ जगन की कॉलिंग में आप, आपके लाइफ के बारे में कहा इसलिए आपके लाइफ में आपको बहुत सारे चांस मिला होगा मतलब कॉलिंग के अलावा कुछ और जब बुलावा आए तो आपने सोचा कि ये मेरा बुलावा नहीं है इसको आप कैसे डिफरेंशियट करें बताइए सच में कहा जाए तो मेरे साथ में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई ओ, अच्छा यीशु के दूसरे आगमन के बारे में प्रचार करना ये मेरी सेवा है प्रभु ने यही कहा यही मेरा काम है लगभग दस साल से ये काम कर रहा हूँ नौ साल से भी ज्यादा हो गया है कई कलीसिया से लोग आकर मेरे इन संदेशों को लेकर जाते थे जाने चर्च में जाकर लोगों को उन्हें जो करने के लिए हाँ। कर सके। तो में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा उन्होंने मेरे पास आकर जानते क्या कहा ओ यह विषय तो आपने बहुत अच्छे से समझाया है ये तो बहुत ही एंकरेजिंग है आशीष हाँ। है, है। खैर इस विषय को छोड़कर तीन दिनों की सभा में कुछ और सिखाइए और मैंने उनसे हा कह दिया याने वो वो भी भी मिनिस्ट्री है ना सेवकाई नौ साल के बाद बदलेगी या सात साल के बाद में सेवकाई को बदल दें दें। इस तरह बहुत से लोग तरीका बदल देते हैं यानी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ठीक है ये अगला फेस है नेक्स्ट फेस यानी इस तरह से उसे मान लेते हैं पर परमेश्वर किसी बात के द्वारा आपको समझाते किसी घटना के द्वारा समझाते हैं और किसी विषय में हमें अचानक शौक लग जाता है बस चल रहा है चल रहा है इसलिए हम गंभीर नहीं होते हैं छोटा शौक लगता है यानी शौक लगने पर ही रास्ते पर आते समझ जाएंगे। इसी तरह से देखिए यानी इसके बाद क्या हुआ कि एक महीने में सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए ऐसा एक... एक साल का प्रोग्राम फिक्स था बस उसके बाद सब कैंसिल हो गए

और फिर मैं प्रभु की उपस्थिति में चला गया पूरे हफ्ते की सभाएं कैंसिल हो गई तीन दिन प्रभु की उपस्थिति में रहा प्रेजेंस में चले गए उपस्थिति में रहा मैंने फोन उठाना ही बंद कर दिया था प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहा प्रभु ने कहा मैंने तुझसे क्या कहा था <laughs> मैंने तुझे लोगों को अंतिम समय के बारे में जानकारी देने के लिए नियुक्त किया है तुम उस संदेश के बजाय यहाँ पर क्या बता रहे हो यानी बेस ही नहीं रहा तो क्या करूंगा ये बुला रहे हैं वो बुला रहे हैं मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ की अपनी बुलाहट से दूर करेगा सो इट विल टेक यू अवे फ्रॉम योर कॉलिंग देखिए इसके बाद में क्या होगा कि आप अपने पूरे रास्ते से ही भटक जाएंगे तो इस तरह का बदलने के लिए भी देखिए शैतान ये नहीं चाहता कि हम यू टर्न ले ले हमारी ही लाइन में आकर बस हमें से उसी रास्ते में आगे बढ़े ओके उनकी स्ट्रेटेजी देखिए वो नहीं चाहता है कि हम यू टर्न ले बस वो चाहता है ठीक है इस रास्ते से पैरल ट्रैक ले ले

यानी अलग अलग प्रोग्राम थे लेकिन ये तो मेरा निर्णय था बहुत से लोगों ने मुझसे कहा यह आत्मिक है ये अच्छा है अच्छा है सब ठीक है लेकिन आप अंतिम समय के बारे में बताइए बस यही काफी था प्रभु की कृपा से अब तक मैं बस इसी के बारे में बता रहा हूँ बहुत स्पष्ट है कॉलिंग में भी <laughs> क्लियर है समय आज का मैं टॉपिक हमने अभी शुरू किया है बट फिर भी इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले इस कॉन्टेक्स्ट में खत्म करके अगले कार्यक्रम में डिटेल में जाएंगे कॉलिंग के बारे में आपने कहा अगला कार्यक्रम में इस कॉलिंग में जो आते हैं उनके इनर सर्कल में जाने वालों के लिए क्या मैसेज कह रहे हैं यही मेरा सवाल है अगले कार्यक्रम में हम इसके बारे में बात करेंगे आज एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट टाइम विल मीट यू अगेन एंड टॉक मोर ऑन दिस डिटेल्स अबाउट द कॉलिंग थैंक यू धन्यवाद